सीट वो दोनों साथ में दे दूंगा सर, उसमें आसानी हो जाएगी। पीछे की कौन सी सीट आ गई जदे मान दी सरकार बनी ते आप सब नू याद होएगा इना दे पंचायती राज मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिना लोकां ने सरकार दी जमीन पंचायतां च दबाई हुई है उनू खाली कराना। वादा ते कीता ए सी कि असी जमीन खाली करावांगे। ए ता पता नहीं कि बड़े लोकां कोलों खाली करा पाए जां ना करा पाए। उल्टा हर पंचायत दे अंदर ए हाहाकार जरूर मची उस वेले कि जिस गरीब ने कोई दो मरले जगह ढाई मरले जगह दे अंदर अपनी झुग्गी पाई सी उन्हां दा उत्पीड़न जरूर होया। सरकार दी नीयत किते भी सरकारी जमीन दा संरक्षण करना नहीं सी, ए ढूंढना सी कि किते किते वड्डे लेवल ते ए सरकारी शामलाट जमीन जिहड़ी आ पई होई है। जेड़ा ऐसी समाज का वर्ग छोटा गरीब आदमी किसे पिंड दे अंदर सामान्य जनमानस दी सहमति दे नाल उस पंचायत दी सहमति नाल भी एक मरले दे अंदर झुग्गी बना के बैठा सी, इन्हां ने ओ भी तोड़ता और उदों भी हाहाकार मचिया। लेकिन जेड़ा इंसीडेंट पठानकोट जिले च वापरिया ओ इस गल वल जरूर इशारा करता है कि सरकारी जमीन लभ के ओदे ते भ्रष्टाचार किस तरीके नाल कीता जा सकता है, एदी फराग च ए सरकार सी। और नेरगर्दी दी गल ए है कि एक डीडीपीओ नूं तुसी एडीसी तक बना दिंदे हो और वह बंदा रिटायर होने तो एक दिन पहला 99.9 एकड़ जमीन जड़ी है वो कुछ व्यक्तियों के नाम कर जाता। जदों समाचार पत्र मीडिया के अंदर एक खबर पूरी तरह नाल स्थान लेंदी और पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्हों इहदे अंदर जवाबदेही मंगदी हैं, फिर प्रिंसीपल सैकटरी जिहड़े इन्हां दे अनुराग है वह एक आर्डर कढ़दे ने FIR दे लई। मैनूं लगदा वह भी आई वाश है। पहली गल तो है कि वह बंदे नूं ADC तक का सफर 27 तरीक नूं बिना जमाबंदियां देखे 50 साल चो जमीन दे गरदोरियां किदे किदे ना रहियां किदा किदा रहियां ਉਹ ਬੰਦਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਮਾਨਯ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ एक कपला करवाना सी इस करके उदा प्रयोग होया। मैं तो उल्टा कहांगा बलि दा बकरा बन रहा। हुण इहदे च एक प्रश्न यह उठता कि जिन्हां ते FIR हो रही है भाई यह गल तो ठीक है कि जिन खरीदनी है जगह उदा भी कर्तव्य है जां लीज ते लैनी है वह देख ले कि जगह डिस्प्यूटेड ते नहीं। लेकिन यह फार्मूला लागू होंगे सामान्य जनमानस च कि मानो मैं शमशेर होना को कोई जगह लैनी है ये मैं कोई जगह बेच रहा तो मेरा ये जिम्मेवारी है कि मैं देख रहा जी जगह बेच रही है कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है तो मेरे को तरीका की है सरकार तहसीलदार कि महकमे माल महकमे तो मैं पता करा कि जिहड़ी जगह मैं इन्हां कोलों खरीदन लगा भाई उहदा कोई डिस्प्यूट तो नहीं है।
लेकिन यह जी जमीन है ये फार्मूला लागू नहीं हो सकता क्योंकि जगह तो सरकार दी है और सरकार लीज पे दे रही है। इस करके खरीदने वाले भी बलि का बकरा बनाया जा रहा। तो मैं कहना एडीसी भी बलि का बकरा बन रहा जेड़े असली दोषी ने उन्हें सरकार च बैठे हुए उन्होंने करणधार इनक्वायरी तो इस गल की होनी चाहिए है कि यह सारा खेल किन्होंने बिना पोलिटिकल बंदियां दे बिना पोलिटिकल शह दे क्या किसी की हिम्मत हैगी है कि वह सरकार की जगह नू हाथ भी ला जाए। और जिदा मैं गल कही है खरीदने वाला व्यापारी तो कहता मैं जो मर्जी जगह दे दे ऐ जगह जो वह फार्मूला लागू नहीं हो सकता कि तुसी जानकारी क्यों नहीं ली। लीज सरकार ने की है दोषी सरकार है। और जो मैं सरकार शब्द प्रयोग करना हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर चुने हुए नुमाइंदे जड़े होंगे ने वो सरकार होंगे ने असेंबली सरकार है मुख्यमंत्री सरकार है मंत्री सरकार है अपने मंजे थले सोटी नहीं मार रहे आईवाश करने की कोशिश हो रही है। अगर सरकार दी मान साहब दी नीयत भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए इतने गंभीर ने दो दिन का काम है पता लगाना कि केड़ी सरकार दे केड़े केड़े नुमाइंदियां दी शह दे नाल ये सब कुछ होया एक मिनट च पता लग जाता। लेकिन सरकार इहदे ते पोचा फेरना चाहती है। सरकार अगर गंभीर है तो सीबीआई जांच कराए और जिहड़े पोलिटिकल लोगों ने यह खेल खेलिया उन्होंने बेनकाब करे उच्च ना भी सीधे सीधे बज रहे ने लेकिन राजनीतिक मर्यादावां दे कारण जिन्हां दा यह विभाग है जां जिहड़े प्रभावित कर सकते ने लोग लोगों के अंदर उन्होंने नावां की भी चर्चा हो रही है वह ना उस घेरे च क्यों नहीं आ रहे वो जांच दे घेरे च क्यों नहीं है। इहदे तो लगता है कि सरकार की नीयत के अंदर खोट है और सरकार अपना बचना चाहती है लेकिन यह मामला हुण एडा क वड्डा बन चुके है कि सरकार बच नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा मैं पोलिटिकल लोगों के अंदर एक मर्यादा रहती है कि किसी का नाम लैके नहीं किया जाता तुहानूं मेरे तो ज्यादा पता है तुहाडे तुसीं कोखी पत्रकार हो कि चौंक च चले जाओ कि दुकानदार को बह जाओ तुहानू पता किहड़े किहड़े ना है तुसी भी मर्यादावां दा ध्यान रखदे हो। और एक मेरा तो एक वैसे ही सुभाव है कि पोलिटिकल विचारां दी लड़ाई है मेरी किसी व्यक्ति नाल लड़ाई नहीं है किसी मंत्री नाल जां सरकार दे किसी अहुदेदार नाल व्यक्तिगत खुंदक नहीं है। मैं जिहड़ी व्यवस्था दे अगेंस्ट उन्होंने आचरण किया उहदे ते प्रश्न चिन्ह है। पूरी प्लैनिंग होगी और यार कई अफसर की हिम्मत हैगी है। मैनू कोई ऐसा उदाहरण दस दो जिहदे अंदर दिनां दे दो चार पांच दिनां च कोई तरक्की हो जाए किसी की फाइलां रुलदियां मिलदियां कि सामान्य जनमानस ने तहसीले जाके रजिस्ट्री करानी होए ना उहदियां खुचां रह जांदियां ये रातों रात सारा कुछ बदल होंदा है वो एडीसी भी बन जाता है 27 तरीक नूं वो ये कर भी जाता है इहदा मतलब वो किसी दे हाथ ना उहदा कलम उहदी है स्क्रिप्ट किसी होर दी सी जिहनूं उहने इंप्लीमेंट किया जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी सी जिन्होंने एडा वड्डा भ्रष्टाचार किया सरकारी मिली भगत दे बिना भ्रष्टाचार एडा वड्डा अफसर दी हिम्मत ही नहीं है। वो सारे चेहरे बेनकाब होन और अगर ये सरकार अगर मान साहब संजीदगी है कि भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो मैनू लगता है सीबीआई जांच एकमात्र हल है। नहीं साडा काम तो है रोला पाना साडा काम है संघर्ष करना सरकार द्वारा नू बेनकाब करना कि ये नारियां नाल सरकारां नहीं चलदियां घोषणावां नाल सरकारां नहीं चलदियां सरकारां एक्शन नाल दिखदियां। हुण जिहड़ा एक्शन हो रहा
वो क्या पर्याप्त है? मैं तो उल्टा कहना जिन्होंने खरीदी है, मैं सामान्य जनमानस जिदा मैं पहला कहा कि मैं तुहाडे कोलों कोई जगह खरीद रहा तो मेरा जिम्मेवारी है कि मैं सरकार कोलों पता करा। जे सरकार ही धोखा कर रही है तो खरीदने वाले का की दोष है? जे तुम अपनी करोड़ों रुपए की जगह कोडिया के भा किसी दोगे कहड़ा नहीं खरीदेगा? लेकिन वो कोडिया के भा के अंदर कोडिया कितने ना कि होर जगह भी गई ना, वो जड़िया होर कोडिया गई कितने कितने गई हैं जनता यह जानना चाहती है। और दुर्भाग्यपूर्ण की है कि उस पंचायत ने जिन शिकायत की उसने परचा करता, उल्टा ओदी गल नू सुन के जिन्हें सारा बखेड़ा पिया, जिन सरकार दे ध्यान च सारा मामला उन्हू 15 अगस्त आ रही थी इनाम देंदे, जे इतने इतने ही ईमानदार लोग है जिहड़े कि कहंदे सी टैलीफोन नंबर जारी करता जी वो क्लिप भेज दिओ टैलीफोन ते दस दिओ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो वह तो पूरी पूरी पंचायत जिहड़ी सम्मानित होनी चाहिए है जिन्हें तुहाडे करोड़ों रुपए की जमीन का कपला जिहड़ा सामने लिया उन्होंने परचा क्यों करता? ये तो सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार वड्डे लोगों को बचाना चाहती है लेकिन मैनू लगता बचा नहीं पाएगी।